की आवाज जो है उसका वचन जो है वो हमें मिल रहा है और बात कर रहा है. And I wish to share a few things for a few Sundays in the church. और मैं कुछ चीजें इस कलीसिया के अंदर आने वाले इतवारों में कुछ बताता रहूंगा. And the book of Nehemiah has been a tremendous blessing to me as I was spending time with God. और जब मैं परमेश्वर के साथ में समय बिता रहा था तो नेहमिया की पुस्तक मेरे लिए बहुत ही आशीष का काम था. But just before we go into the book of Nehemiah, I would like to share a few things from other places. और लेकिन इससे पहले कि नेहमिया की पुस्तक की ओर हम जाएं, मैं कुछ और जगहों से आपसे कुछ बातें करूंगा. In spite of all that man may stand for today, God has got a tremendous plan and purpose for man. और उसके बावजूद के मनुष्य जो है वो किसी भी तरीके से परमेश्वर के सामने क्यों ना खड़ा हो, लेकिन परमेश्वर के पास उसके लिए बहुत कुछ है. एंड गॉड इज नो मैन्स डेटर. और परमेश्वर जो है वो किसी मनुष्य का कर्जदार नहीं. राइट फ्रॉम द स्क्रिप्चर, द बिगिनिंग ऑफ द स्क्रिप्चर टू द लास्ट पेज ऑफ द स्क्रिप्चर, वी कैन सी गॉड ही डिड हिज पर्पसेस थ्रू ए पीपल. और हम वचन के पहले सफे से लेकर आखिर तक हम देखते हैं कि परमेश्वर ने लोगों के लिए अपने लोगों के लिए कार्य. When we turn to the book of Habakkuk chapter 1 and verse 1, we read like this. और जब हम हबकुक की पुस्तक उसका एक अध्याय और एक आयत को पढ़ते हैं तो इस तरीके से पढ़ते हैं. The burden which Habakkuk the prophet did see. और वो बोझ जो कि हबकुक जो नबी था उसने देखा. The burden that the prophet Habakkuk did see. और वो बोझ जो कि हबकुक नबी ने देखा. Brothers and sisters, the main problem today is that God's people are not able to see the mind of God. और आजकल की समस्या जो है वो सबसे बड़ी यह है कि परमेश्वर के लोग जो हैं वो परमेश्वर के मन को, उसके इरादों को जान नहीं पाते. It's so natural with man that he is so happy with his own things. और ये कुदरती चीज है मनुष्य के साथ में कि वो अपनी चीजों में इतना खुश और आनंदित है. But I believe in this hour, though there shall be people who have a desire for their own things, there is going to be a people who shall be willing to share the burden of God. और जब के लोगों के अंदर ऐसी ख्वाहिश है कि वो अपनी चीजों में खुश रहते हैं, और ऐसे भी लोग होंगे जो के परमेश्वर के बोझ के लिए आगे बढ़ेंगे. Every time when a revival came, that was the thing that happened. और हर समय जब बेदारी हुई है तो ऐसा काम हुआ है. Every time a revival came and a move of God came, they wanted to do their own things, and then there were a few people who sought the Lord and come under the burden of the Lord. और हर बार जब के बेदारी आई है तो लोग अपनी चीजों में मस्त थे, अपने ही इरादों को करना चाहते थे, लेकिन ऐसे लोग भी पैदा हुए जो के परमेश्वर के इरादों को पूरा करना चाहते. And I believe prophetically that in this hour there are a people who are coming under the great burden of the Lord in this hour. और नबुवत के तौर से मैं इस चीज का विश्वास करता हूं कि ऐसे लोगों का लोग भी हैं जो कि प्रभु के इस बोझ के नीचे हैं. Then when we get on to the book of Zechariah chapter 12, और जब हम ज़करिया और उसका 12वां अध्याय पढ़ते हैं, we read there again in verse 1, और उसमें पहले अध्याय पहली आयत में फिर हम पढ़ते हैं, the burden of the word of the Lord for Israel, say the Lord, which stretcheth forth the heavens and layeth the foundations of the earth, and formeth the spirit of man within him. Chapter 12 and verse 1. इस्राएल की बाव खुदावन की तरफ से बार नबुवत, खुदावन जो आसमान को तानता और जमीन की बुनियाद डालता है, इंसान के अंदर उसकी रूह पैदा करता है, यूं फरमाता है. See, here again we read the burden of the word of the Lord for Israel. और यहां पर हम फिर देखते हैं कि प्रभु के वचन का वो बोझ जो इसराइल के लिए था. So we can see in the history when God's temple was completely in ruins, there was one prophet of God who could come under the burden of the Lord, and he came and encouraged the people to build the temple of God. और हम देखते हैं इतिहास के अंदर जब परमेश्वर के मंदिर जो था वो बिल्कुल खंडर बन चुका था, लेकिन एक व्यक्ति पर वो बोझ आया प्रभु का, जिसने के प्रभु को लोगों को बताया कि आए और उस मंदिर को बनाएं. The people were so happy in Babylon. और वो लोग जो थे उस समय बाबुल के अंदर बड़े खुश थे. Well, a few people with a great burden came to Jerusalem to build the temple. और लेकिन कुछ ही लोग जो कि बड़े बोझ के साथ में यरूशलेम में आए ताकि उस मंदिर को बना सकें. And yet when we go through the book of Ezra, we can see though they came with a definite purpose, some of them started settling down in Jerusalem, not doing the purpose for which they came. और फिर हम एज्रा की पुस्तक में जब देखते हैं कि वो इस कारण से आए थे कि मंदिर को बनाए, लेकिन फिर भी वो यरूशलेम में रुक गए और वहां पर अपने. And Zechariah and Haggai came and prophesied, and they really prospered in the prospering, and the temple was built. और जब के ज़करिया और हज्जी नबी आए
और उनको बताया तभी वो उस काम को पूरा कर सके. So we can see that God had a people who shall always come under the burden of the Lord, the mind of God for that particular time in the history of mankind. और हम देखते हैं कि इंसान के उस इतिहास के अंदर कि जब भी परमेश्वर के लोगों पर ऐसा बोझ आता है कि वो परमेश्वर की इच्छा को लोगों के लिए पूरा कर सके. When we turn to the last book in the Old Testament, the book of Malachi, chapter 1 and verse 1. और जब हम मलाकी की किताब उसका एक और एक में पढ़ते हैं. We read there again the same thing repeated. और यहाँ पर हम पढ़ते हैं कि वही चीज को दोबारा दोहराया गया. The burden of the word of the Lord to Israel by Malachi. और वो बोझ जो कि इसराइल के ऊपर परमेश्वर के वचन का था मलाकाई के द्वारा आया. So here we can see, though the temple was built, everything was restored there in a pattern, yet the people had not still changed themselves. और यहाँ पर हम देखते हैं कि जब कि वो मंदिर बनाया जा रहा था, हर एक चीज़ वहाँ पर लाई गई थी, लेकिन फिर भी लोगों ने अपने उस स्वभाव को बदला नहीं. Oh, the people were bringing still lame animals and offering to God. और लोग जो थे वो अब भी वो लंगड़े लूले उन जानवरों को ला के परमेश्वर के सामने भेंट देते थे. The priesthood was a corrupt priesthood. और उनकी जो जो काहिन था वो भी ठीक नहीं थे. They said that they feared God, but they never feared God. और वो कहते थे कि वो परमेश्वर से डरते हैं, लेकिन असल में डरते नहीं थे. And then when situations were such, God had one man with whom he could again share his word. और ऐसे हालात में परमेश्वर के पास ऐसा व्यक्ति था जिसके द्वारा वो अपना वचन बता सके. So here we see the burden of the Lord came to Malachi and he started prophesying to the people of God. और यहाँ पर हम देखते हैं कि परमेश्वर का वो बोझ जो था वो मलाकी के ऊपर आया और उसने भविष्यवाणियाँ की लोगों के लिए. And brothers and sisters, we can see the same thing repeated in the New Testament. और भाइयों और बहनों यही चीज हम देखते हैं कि नए नियम के अंदर भी बार बार दोहराया गया है. And the Lord changeth not in his pattern. और परमेश्वर जो प्रभु जो है वो अपने उस तरीके से अपने नमूने से बदलता नहीं. And we, when we sit back, we understand that the church has lost many things this day. और जब हम बैठ के इस चीज को सोचते हैं तो हम देखते हैं कि कलीसिया ने बहुत सी चीजें जो है आजकल खोई हुई हैं. And it again the spirit of the Lord says to us that there are many things that God has got for his people. और फिर भी वो परमेश्वर की आत्मा जो है वो हमें बताती है कि बहुत सी चीजें हैं जो कि परमेश्वर के पास उसके लोगों के लिए हैं. And the Lord is moving throughout the land to see a people who shall come under the very burden of the spirit of the Lord. और पूरे देश के अंदर परमेश्वर जो है वो घूम रहा है और देखता है कि कौन सा ऐसा व्यक्ति है जो कि इस बोझ को उठाने के काबिल हो सके. And I believe God, that God has brought us together in Delhi with a purpose. और मैं विश्वास करता हूं कि परमेश्वर ने हमें एकत्रित किया दिल्ली के अंदर क्योंकि उसकी कोई योजना है. And in the same way the Lord is gathering his people in different places in India. और इसी तरीके से भारत के अंदर जगह-जगह पर परमेश्वर ऐसे लोगों को इकट्ठा कर रहा है. And if we are not able to come under the burden of the spirit of the Lord, we are going to miss out a lot of things that God will have for us. और अगर हम उस बोझ के अंतर्गत नहीं आते जो कि परमेश्वर की आत्मा का है तो हम बहुत सी चीजों को खो देंगे. Then many people are so happy with many things that seem to be so good to their soul. There are many people who are coming under the burden of the spirit of the Lord. और जब के लोग बहुत सी ऐसी चीजों को पसंद करते हैं और उसमें चलते हैं जो कि उनकी जान को पसंद आता है, लेकिन ऐसे भी लोग हैं जो कि प्रभु के बोझ के नीचे आते हैं. When we look into the book of Acts chapter 19, और जब हम प्रेरितों के काम उसका 19वां अध्याय पढ़ते हैं, I want us to please turn to that place. We can see in the book of Acts chapter 19 that Paul was led of the Spirit to go to Ephesus. और यहाँ पर हम देखते हैं 19वें अध्याय प्रेरितों के काम के कि पौलुस को एक आत्मा का बोझ आया कि वो एफेसस को जाए. And then we can see that he met a group of people who were trusting in the Lord. और तब हम देखते हैं कि एक गुट उसने वहां पर लोगों का बनाया जो कि प्रभु पर विश्वास करते हैं. And they were not baptized in the spirit. और वो आत्मा में बपतिस्मा नहीं लिया. And the baptism they had was John's baptism. और वो बपतिस्मा जो उन्होंने लिया था वो यूहन्ना का था. And after that we can see that Paul taught them what is baptism after the death of the Lord Jesus Christ and the resurrection of the Lord. और फिर हम देखते हैं कि प्रभु की मृत्यु और उसके जी उठने के बाद पौलुस ने उनको सिखाया कि आत्मा का बपतिस्मा क्या है. About the water baptism. और पानी के बपतिस्मे के विषय. And then he also laid hands on them and they were baptized in the Holy Spirit. और तब उसने उन पर हाथ भी रखे और पवित्र आत्मा का बपतिस्मा भी उनको मिला. And then as we read on further down, we can see that many miracles happened in Ephesus. और फिर हम जब और आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं कि एफेसस के अंदर बहुत से और मौजे हुए, चमत्कार हुए. We can see that here in verse 10, verse 11 and 12.
और फिर उसको 10, 11 और 12 आयत में हम यहाँ पर देख सकते हैं 19 verse 11 and God wrought special miracles by the hands of Paul so that from his body were brought unto the sick handkerchiefs or aprons and the diseases departed from them and the evil spirits went out of them. और खुदा पौलुस के हाथों से खास खास मौजज़े दिखाता था यहाँ तक कि रुमाल और पटके और उसके बदन से छुआ कर बीमारों पर डाले जाते थे और उनकी बीमारियां जाती रहती थी so here we और बुरी रूहें निकल जाती थी. Great miracles happening in Ephesus. और यहाँ पर हम देखते हैं एफिसस के अंदर बहुत बड़े बड़े चमत्कार होते many, many things were happening there. और बहुत सी चीजें वहां पर होती थी and yet Paul was not happy about the things. और फिर भी पौलुस जो था वो इन चीजों को देख when he started writing a letter to the Ephesian Christians, और जब उसने वो पत्री एफिसियों को लिखनी शुरू his burden, he came into the very, very burden of the Lord for the Ephesus church. और उसके और प्रभु का बड़ा बोझ जाया एफिसस की कलीसिया के लिए and he says I pray that your eyes of understanding may be open. और वो कहता है कि मैं प्रार्थना करता हूँ कि तुम्हारी समझ की आंखें जो है वो खुल जाएं that you may know the things that still God has got for you that is far beyond laying hands on the sick people praying for the sick people and all other things. और ताकि तुम उन चीजों को देख सको जो के हाथ रख के बीमारों के लिए प्रार्थना करना उनको चंगाई मिलना इससे कई ज्यादा और बड़ी है. So when we look in the New Testament, the person of the Lord, Apostle Paul, और जब हम नए नियम के अंदर पौलुस रसूल को देखते हैं, we can see that he was constantly moving in the burden of the Lord. और हम देखते हैं कि वो लगातार प्रभु के बोझ के अंदर चलता जा रहा था. And so he every time when he started writing and talking to people, we can see he was bringing forth the very mind of God to them. और जब कभी भी वो लोगों को लिखता था उनसे बात करता था तो हम देखते हैं कि प्रभु का परमेश्वर का मिजाज और तबीयत वो बताता था लोगों को. And I believe even in this hour as we are living, that God has got a different purpose for God's people. और आजकल भी हम देखते हैं कि इस समय के अंदर परमेश्वर के पास अपने लोगों के लिए बहुत ही विचार हैं और उसकी योजनाएं हैं. And therefore I would say to every one of us in the assembly here that let us come to that place of seeking the Lord and what God has for us in this hour. और इसलिए मैं चाहूंगा कि यहाँ पर कलीसिया में हर एक जन को बताऊं कि हम उस जगह पर आए कि प्रभु की ओर देखें कि प्रभु के पास हमारे लिए आजकल के दिनों में क्या है. It would be very good for us to know the heart of God for God's people in this hour than our own desires in our life. और हमारे लिए बहुत ही अच्छा होगा कि अपनी ख्वाहिशों को छोड़कर हम परमेश्वर की इच्छाओं को जानें कि उसके लिए हमारे पास आजकल क्या है. But it is true that God will have a people even if you and I would turn away into our own interests. और लेकिन ये सच है कि परमेश्वर अपने लोग जमा ही कर लेगा चाहे हम और आप उससे अलग मुड़ क्यों ना जाएं. That has been God's pattern. और ये परमेश्वर का तरीका है उसका नमूना है. But God has called us to gather in this city with a great and definite purpose. और लेकिन परमेश्वर ने हमको यहाँ पर एक बहुत बड़ी योजना के अंतर्गत यहाँ पर इकट्ठा किया है दिल्ली के अंदर. And I believe the Lord's Spirit is coming upon many lives these days to come to a place and seek Him constantly for many, many times. और मैं विश्वास करता हूँ कि परमेश्वर की आत्मा हम में से बहुतों पर आती है कि हम एक जगह पर ऐसे आए और उसके विषय में सोच विचार करें कई बार. And therefore I would request you, if the Spirit of the Lord is prompting you to spend time with God, better do that. और मैं आपसे विनती करूंगा कि अगर परमेश्वर की आत्मा आपको उत्साहित करती है कि आप समय उसके साथ बिताएं प्रार्थना में तो उसको करें आप जरूर. Many a time it is so easy for people, for many of us to just speak things. और हमारे लिए और हमें से बहुतों के लिए बहुत आसान है कई बार कि कोई चीज हम खड़े होकर बताना शुरू करें. But I believe it will be very far good for us to spend time with God and to know what God has to speak to us. और लेकिन मैं विश्वास करता हूं कि हमारे लिए और ज्यादा बेहतर होगा अगर हम परमेश्वर के साथ में समय बिताएं और जाने कि परमेश्वर हमसे क्या चाहता है. So there is one thing in all that I have said till now to say specifically to us. और वो एक चीज है जो कि अब तक मैंने बताई कि वो खास चीज जो कि परमेश्वर हमसे चाहता है. That is that God wants to share His burden with the people. और वो ये है कि परमेश्वर चाहता है कि वो अपना बोझ लोगों के साथ में बांटे. He has been doing that all throughout the scripture. और वो इस पूरे वचन के अंदर ऐसा करता है. All throughout the history of mankind, God has been doing that. और मनुष्य के पूरे इतिहास के अंदर वो ये करता आया है इस काम को. As we read in the book of Amos, we read that surely the Lord shall do nothing but reveal His secrets unto His prophets. और जब कि हम आमोस की पुस्तक में पढ़ते हैं कि परमेश्वर और कुछ नहीं करेगा बल्कि अपने विचारों को वो अपने नबियों के द्वारा प्रकट करेगा. So God wants us to come under the burden of the Spirit of the Lord and do His purposes in this city and in this land of India. और इसलिए परमेश्वर चाहता है कि हम उसके बोझ के अंतर्गत आकर और उसकी योजना को इस
मुल्क के अंदर, इस देश के अंदर पूरा कर सकें। And I'm sure that people who shall come under the burden of the Lord shall be a disciplined group of people. और मेरा पूरा विश्वास है कि वो लोग जो कि प्रभु के उस बोझ के अंतर्गत आएंगे, वो अनुशासन के भी अंतर्गत होंगे। They shall be truly a people of love for one another. और वो सच्चे मन से एक दूसरे से प्रेम भी करने वाले होंगे। They shall be people who shall walk in the humility. और वो ऐसे लोग भी होंगे जो कि नम्रता के अंदर चलेंगे। And they shall be people who shall have the quality of the Lord. और वो ऐसे लोग होंगे जो कि उस परमेश्वर का स्वभाव, प्रभु का स्वभाव उनके अंदर होगा। So there is one thing that we have to understand. और एक चीज़ है जो कि हमने समझनी है। That God is interested in bringing forth these things in you and me individually. और परमेश्वर की रुचि ये है कि वो आप और मेरे अंदर व्यक्तिगत रूप से इन चीजों को लाए। And so when we look at the life of Nehemiah, we can learn many things for us. और जब कि हम नहमाया के जीवन की ओर देखते हैं, तो बहुत सी चीजों को अपने जीवन के लिए हम सीख सकते हैं। I have been truly blessed looking at this life and the things that are written in this book. और सचमुच मेरे को बड़ी आशीष मिली जब कि मैं इस किताब को पढ़ा और इसके अध्ययन किया। I don't know how far I will be able to do the justice, but I would like to share a few things that has been a tremendous blessing to me personally. और मैं नहीं समझता कि कहाँ तक मैं इस चीज से इंसाफ कर पाऊंगा, लेकिन जो कुछ भी मेरे को अनुभव हुआ है, मैं उसको बताना चाहूंगा आपको। The word Nehemiah means, और नहमाया शब्द का अर्थ ये है, Jehovah comforts. और प्रभु यहोवा जो है वो तसल्ली देता है, इत्मीनान देता है। Let's read the book of Nehemiah chapter 1. और नहमाया की पुस्तक उसका पहला अध्याय हम पढ़े। Shall I ask someone to read that book of Nehemiah chapter 1 totally? Nehemiah uska pehla adhyay pura. When we go through the book of Nehemiah, we cannot hear or we cannot see much written about his past and his family life, etc. Aur jab hum Nehemiah ki pustak ki or jaate hain, to hum dekhte hain ki Nehemiah ke pichle jeevan ke bare mein, uske parivar ke bare mein zyada kuch nahi. But in verse 2 we read like this, that Hanani, one of my brethren, came. और लेकिन दूसरे वचन के अंदर हम इस तरीके से पढ़ते हैं कि हनानी जो मेरे भाइयों में से है, एक है, वो आए। Other than that, we don't read anything about his family background in the Bible. और इसके अलावा बाइबल में हम इस नहमाया के परिवार के विषय में कुछ भी नहीं जान पाते। And about after the revival during the days of Nehemiah, we cannot read further about his death and further ministry, etc. और नहमाया के दिनों के बाद उस जो वो बेदारी आई थी, उसके बाद उसकी मृत्यु के बारे में या किसी और चीज के विषय में हम कुछ नहीं पढ़ते बाइबल में। And here in the first chapter of Nehemiah, we can see a man who was burdened for God's people in that particular time. और नहमाया की पहली पुस्तक अध्याय के अंदर हम देखते हैं कि ये वो व्यक्ति था जिसके ऊपर के प्रभु का बोझ आया। And before we get further into the study, I would like to say that there are three essential things that we need to know when we want to move on with God. और इससे पहले कि इस अध्ययन की ओर हम आगे पढ़ें, तीन एक बहुत ही आवश्यक और जरूरी चीजें हैं जिसको कि हमने जानना है परमेश्वर के विषय में। We who are desirous of having the move of God in our lives individually, अगर हम इच्छुक हैं कि परमेश्वर की का काम जो है हमारे अपने व्यक्तिगत जीवन में हो पाए, if we have to be a people who desire for the move of God in our church as an assembly, aur agar hum aise log hain ki apne kalisiya aur assembly ke andar parmeshwar ka karya hone chahte hain, and we need to know these essential things in our lives, to hame avashyak hai ki apne jeevan ke andar in zaruri cheezon ko jaane. The first thing is, pehli cheez hai, we have to have the realization that God is concerned with the accomplishment of something that is worthy of himself. Aur sabse pehle humne is cheez ko janna hai ki parmeshwar jo hai wo ek aise kaam ko pura karna chahta hai jo ki uski mahima ke liye hai. We have to understand, I will say that again, aur main isko dobara kahunga, isko samajhna hai, we should realize that he is concerned about accomplishing something that is of his own nature or worthy of himself. और वो एक ऐसे काम को पूरा करना चाहता है हम लोगों के अंदर जो कि उसके अपने स्वभाव का है और उसका अपना है। And I tell you, if we understand that very clearly, then we will be able to see the move of God in our individual life. और अगर हम इस चीज को अच्छी तरीके से समझ पाते हैं, तो हम देखेंगे कि परमेश्वर का कार्य जो है वो हमारे व्यक्तिगत जीवन में पूरा हो रहा है। God is really concerned about doing such things in our lives. और परमेश्वर जो है वो इच्छुक है इस चीज का कि वो हमारे जीवनों के अंदर कुछ काम करे। There are many people who have been concerned about the move of God in their lives, in their land, in their fellowship. और बहुत से लोग हैं जो कि परमेश्वर के कार्य को अपने जीवन के अंदर, अपने मुल्क के अंदर, अपने कलीसिया के अंदर पूरा होते देखना चाहते हैं। And very little did they realize that the move of God will be to the very standard of God.
और वो बहुत ही कम इस चीज को समझ पाते हैं कि परमेश्वर का कार्य जो है वो उसके ही स्टैंडर्ड के मुताबिक होगा. And I want to say that if you and I are desirous for a great move of God and the fulfillment of God's word in our lives, then think that the standard of that is going to be His very standard. और अगर आप और मैं इस चीज के इच्छुक हैं कि परमेश्वर का काम जो है उसके वचन की पूर्ति जो है वो मेरे और आपके जीवन और हमारे कलीसिया में हो, तो ये चीज हमको पहले समझनी है कि वो काम उसके ही स्टैंडर्ड के मुताबिक होगा. So God's standard is the standard for God's people. और उसका स्तर जो है वो उसके लोगों के स्तर के बराबर है. We have to... Thank you.